साथियों, रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कल के बजट में, जैसा मैंने कहा, 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की घोषणा की है। स्टार्टअप को मिल रही टैक्स छूट को और विस्तार देने का भी निर्णय कर लिया है। इन फैसलों से भी मोबिलिटी सेक्टर में नई संभावनाएं पैदा होगी। ईवीज के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती उसकी कॉस्ट और बैटरीज की है। इस फंड का इस्तेमाल इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए हो सकता है। हमारी रूफटॉप सोलर स्कीम में भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कंपोनेंट है, जिससे ऑटो सेक्टर को भी मदद मिलेगी। जब सोलर रूफटॉप की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में बैटरीज की भी जरूरत होगी। आपके लिए इस सेक्टर में भी विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और मैं तो एक और बात कहूंगा, क्यों नहीं हमारी इंडस्ट्री ऐसी रिसर्च करती जिसमें भारत में मौजूद रॉ मटेरियल से ही नई तरीके की बैटरीज बनाई जाए। क्योंकि दुनिया को चिंता है कि ये रॉ मटेरियल कितने लंबे अरसे तक चलेगा और तब क्या होगा, हम अभी से क्यों ना ऑल्टरनेट ले। मैं समझता हूं कि देश दे सकता है, काफी लोग सोडियम पे काम कर भी रहे हैं। और सिर्फ बैटरी ही नहीं, ऑटो सेक्टर को ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल के क्षेत्र में भी नई रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे स्टार्टअप्स ने ड्रोन सेक्टर को भारत में नई उड़ान दी है। इस फंड का इस्तेमाल ड्रोन से जुड़ी रिसर्च में भी हो सकता है। आज हमारे वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव माध्यम बनकर उभरे हैं। भारत की शिपिंग मिनिस्ट्री अब स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइब्रिड वेसल्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको भी इस दिशा में जरूर आगे आना चाहिए।